साथियों, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किसानों के साथ चल रहा है। आज गाजीपुर में अभी थोड़ी देर पहले भारी फोर्स आई, वहां का एमएलए आया, बीजेपी के गुंडे आए और दंगा फैलाना चाह रहे थे, दंगा करना चाह रहे थे, गुंडागर्दी करना चाह रहे थे और वहां पे उनका पता चल गया, वो देख लिए और उन्होंने तोड़फोड़ वहां पे की। तो ऐसी साजिशें बीजेपी रच रही है, ये बिल्कुल एक तरह से लोकतंत्र की हत्या और देशद्रोह है। तो साथियों, हम बेनती करना चाहेंगे सभी जो हमारे भाई हैं कि वो गाजीपुर बॉर्डर पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकते हैं, रात को अभी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, चाहे यूपी वाले भाई हैं, चाहे और हमारे नज़दीक वाले भाई हैं। और इनकी जो साजिशें हमने बेनकाब करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई कल से धरनों पर आना शुरू हो जाएं और हम इनका मुकाबला करेंगे। हर हाल में मुकाबला करेंगे, मारेंगे, यहीं पर सीढ़ियाँ देंगे, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, इनके गुंडों का भी मुकाबला करेंगे हम। इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लोकतंत्र रही है, हमें अपनी बात करने का अधिकार, हम अपनी बात करने के लिए बैठे हैं और इस तरह से अगर ये करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका नतीजा जो है वो गलत आएगा देश के सामने। इसलिए मेरी सबसे बेनती है कि इन गुंडों का मुकाबला करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई धरनों में पहुँचना शुरू कर दें। और अभी गाजीपुर पे हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि कभी गाजीपुर वालों को अकेला समझने की गलती कर लें। सारा देश उनके साथ है, सारा देश इकट्ठा है, हमारी हर जाति, हमारा हर धर्म, हमारा हर प्रदेश एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। कहीं उनको अकेला समझने की गलती ना कर ले। और अगर कोई सरकार वहाँ पे जियाती करने की सोच रही है तो उसके पहले 10 बार सोच ले और कोई हरकत वहाँ पे गलत हरकत ना करे। हम साफ तौर पे चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। तो मैं एक बार फिर सबसे बेनती करना चाहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा धरनों पे पहुँचना शुरू कर दें और 30 तारीख को सब ने जो हरियाणा में जितने टोल हैं सब पेंशन करना है, सारे ब्लॉक को पेंशन करना है और इनका डट के मुकाबला करो। ये गुंडागर्दी किसी हालत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बस इतनी सी बेनती आपसे करना चाहूँगा। तो 30 तारीख के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई तैयारी करें ताकि इनको अपनी ताकत दिखाई जाए। इनकी ताकत का मुंह तोड़ हमने जवाब देना है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।